यस सर। टॉपिक क्लियर है? यस सर। आज हम लोग रविंद्रनाथ टैगोर के विषय में पढ़ेंगे, खास करके रविंद्रनाथ टैगोर के संदर्भ में हम लोग आज चर्चा नहीं करेंगे, इसलिए कि इम्पोर्टेंट जो है प्रश्नों के जो है तरफ हम लोग ध्यान आकर्षित करेंगे जो परीक्षा के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम लोग मूल टॉपिक जो है शिक्षा दर्शन पर चर्चा करेंगे, इसकी परिचर्चा में हम लोग भाग लेकर के और इसको करने की कोशिश करेंगे। सामान्य रूप से उनके जीवन वृत्त की जन्म कब हुआ हम लोग को पता है, किताब में 1881 में उनका 1861 में जो है जन्म हुआ, 1861 में उनका कोलकाता में जन्म हुआ, ये सारी चीजें, उनके पिता कौन थे, उनकी पत्नी का नाम क्या था, वो सारी चीजें जो है हम लोग इसमें जानने की कोशिश नहीं करेंगे। उन्होंने शिक्षा कहाँ से पाया, विदेशों से शिक्षा कहाँ से पाया, ये सारी चीजें जो है हम लोग बाद में अभी चर्चा करेंगे, लेकिन आज हम लोग शिक्षा दर्शन पर चर्चा करेंगे। रविंद्रनाथ टैगोर जो है शिक्षा को एक विकास की प्रक्रिया मानते हैं, शिक्षा को विकास की एक प्रक्रिया मानते हैं, शिक्षा को विकास की एक प्रक्रिया मानते हैं, ठीक है, प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट की वो बात करते थे और उसमें कहते थे कि इस विकास की प्रक्रिया में व्यक्ति जो है इस विकास की प्रक्रिया में व्यक्ति क्या होता है, सामाजिक जो है व्यक्ति को क्या मिलता है, ठीक है, व्यक्ति की सामाजिक आवश्यकता की पूर्ति होती है, किन किन आवश्यकता की पूर्ति होती है, व्यक्ति की सामाजिक आवश्यकता की पूर्ति है होती है, शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति की आर्थिक आवश्यकता की पूर्ति होती है, बनेगा कि शिक्षा विकास की एक प्रक्रिया और व्यक्ति की इससे क्या होती है, सामाजिक आवश्यकता की पूर्ति होती है, आर्थिक आवश्यकता की पूर्ति होती है, राजनैतिक आवश्यकता की पूर्ति होती है, राजनीतिक आवश्यकता की पूर्ति होती है, मानसिक और बौद्धिक आवश्यकता की पूर्ति होती है, उसका मानसिक विकास भी होता है, मानसिक जो है आवश्यकता की पूर्ति होती है, बौद्धिक आवश्यकता की पूर्ति होती है, भावात्मक आवश्यकता की पूर्ति होती है, भावात्मक आवश्यकता, आध्यात्मिक आवश्यकता, आध्यात्मिक आवश्यकता की पूर्ति होती है, ठीक है। ये विकास की प्रक्रिया से व्यक्ति की तमाम तरह की जो जरूरत उसी के माध्यम से फुलफिल होता है, उसी के माध्यम से इसकी पूर्ति होती है। आवाज क्लियर आ रही कि नहीं? यस सर। उन्होंने विकास शिक्षा को एक विकास की प्रक्रिया माना, शिक्षा क्या है, विकास की एक प्रक्रिया है। उन्होंने शिक्षा को स्पष्ट करते हुए लिखा कि सर्वोत्तम शिक्षा वह है, उन्होंने एक बात लग बताई कि सर्वोत्तम शिक्षा वह, शिक्षा को परिभाषित करते उन्होंने बताया क्या है, सर्वोत्तम शिक्षा क्या है, वह है जो हमारे जीवन का समस्त, वह है जो हमारे हमारे जीवन का समस्त दृष्टि से, जीवन का समस्त दृष्टि से सामंजस्य स्थापित करती, समस्त सृष्टि से सामंजस्य स्थापित करती। उन्होंने बताया कि जो है सही शिक्षा वह है जो इस सृष्टि में जितनी भी चीजें हैं, इस धराधाम पर जितनी भी चीजें हैं, उस सबसे क्या करना है, सामंजस्य स्थापित हो सके, सबसे एडजस्टमेंट की बात उन्होंने किया, सबके साथ सामंजस्य स्थापित करने की बात, यानी सामंजस्य हमारी शिक्षा का मूल आधार है। शिक्षा इस प्रकार की नहीं होनी चाहिए जिसमें हम सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाते। यदि हम पियाजे के सिद्धांत को देखें तो उन्होंने भी इसी बात को उजागर किया, वो एडजस्टमेंट को लेकर के बहुत गंभीर से कहते थे कि बच्चे जो है अपनी प्राकृतिक जीवन से जो प्रकृति में जो चीजें दिखती है उसके साथ सामंजस्य स्थापित करते हैं और उसी से सीखने की कोशिश करते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने भी सामंजस्य की बात की कि सामंजस्य स्थापित करके ही जो है जीवन की शिक्षा को की पूर्णता को प्राप्त किया जा सकता है,
इसलिए उन्होंने सामंजस्य स्थापित करने की सृष्टि की समस्त चीजों से एडजस्टमेंट करने की उन्होंने बात बताई कि समस्त चीजों के साथ एडजस्टमेंट करना चाहिए। यदि हम इनके द्वारा बताए गए शिक्षा के उद्देश्य की बात करें तो उद्देश्य क्या है, इन्होंने शिक्षा के तमाम उद्देश्यों की जो है चर्चा की। इनका सर्वोत्तम उद्देश्य क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है शिक्षा का, इन्होंने मुख्य उद्देश्य बताया सर्वांगीण विकास। क्या बताया, सर्वांगीण विकास। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है, बालक की ऑलराउंड डेवलपमेंट, बालक का होलसम डेवलपमेंट की योजना बनाना। यानी शिक्षा के जीवन के समस्त भागों का यदि विकास नहीं होगा तो शिक्षा का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। इसलिए जीवन के समस्त भागों की जो है विकास होने चाहिए, समस्त भागों का विकास होना चाहिए, तभी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य पूरा होगा। मुख्य उद्देश्य की इन्होंने चर्चा किया। दूसरी बात उन्होंने बताया शारीरिक विकास का, शिक्षा का उद्देश्य है शारीरिक विकास, क्योंकि शरीर स्वस्थ होगा तभी स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। कहते हम लोग कि जब शरीर स्वस्थ होगा तो हमारा मानसिक स्थिति भी स्वस्थ होगा, इसलिए शरीर को स्वस्थ रखना जरूरी है। इसके लिए उन्होंने बताया कि व्यायाम करना चाहिए, खेल की उन्होंने बहुत जो है महत्व दिया, तमाम तरह की से जो है शरीर को स्वस्थ रखने की जरूरत है। दूसरी बात उन्होंने मानसिक तथा बौद्धिक विकास की बात की। शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए मानसिक और बौद्धिक विकास, और क्या करे शिक्षा, इस प्रकार की शिक्षा हो कि मानसिक और बौद्धिक विकास उससे संभव हो सके। उन्होंने जो है पुस्तकीय ज्ञान का विरोध किया, उन्होंने क्या किया, पुस्तकीय ज्ञान का विरोध किया। पुस्तक का ज्ञान बहुत काम देने वाला नहीं है, बल्कि उन्होंने प्रकृति से प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान को महत्व दिया। किसे, प्रकृति से प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त ज्ञान को महत्व दिया। यानी अनुभव द्वारा जो ज्ञान प्राप्त है वही मूल रूप से ज्ञान है। खाली किताबी ज्ञान हो जाना जो है व्यक्ति को मानसिक और बौद्धिक नहीं कर सकता। उन्होंने अगला जो है संवेगात्मक विकास की बात की। अगला उन्होंने संवेगात्मक विकास की बात की। शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए, संवेगों का विकास होना चाहिए, इमोशन का विकास होना चाहिए, और यह कैसे हो सकता है। उन्होंने कहा इसके लिए क्या करना होगा, उन्होंने बताया कविता, संगीत, चित्रकला। इसलिए उन्होंने कहा कि कविता का, संगीत का, चित्रकला का, चित्रकला में भी डिवाइड नहीं करना है, ठीक है। इसे जो है चित्रकला से बच्चों में संवेगों का विकास होगा, बच्चों में संवेगों का विकास होगा। ये सारी चीजें क्या करेंगी, कैसे, इन सारी चीजों का यदि प्रशिक्षण दिया जाए तो बच्चों में संवेगात्मक जो है विकास होगा। और इसके साथ साथ ये सारी चीजों से उसके अंदर संवेदना का विकास होगा, सहानुभूति का विकास होगा, सौंदर्य का विकास होगा, सौंदर्य बोध का विकास होगा। बच्चों में कविता लिखने की परंपरा, कविता के चिंतन करने की परंपरा, संगीत की जो है कला, चित्रकला, ये सारी चीजों का जब प्रशिक्षण उसे दिया जाता है, प्रशिक्षण जो है उसे प्राप्त होता है, तो उसके अंदर संवेदना, सहानुभूति और सौंदर्य बोध की प्राप्ति होती है। अगला उन्होंने बताया सामाजिक विकास। अगले जो है उद्देश्य के रूप में उन्होंने सामाजिक विकास की बात की। शिक्षा इस प्रकार की हो कि बच्चों में सामाजिक विकास हो। यदि सामाजिक विकास नहीं होता है तो सारा मामला गड़बड़ हो जाएगा। और सामाजिक विकास में सबसे ज्यादा जरूरी है सामंजस्य की क्षमता, सामंजस्य की क्षमता। आज हम लोग देख रहे हैं
समाज में सबसे ज्यादा किसी चीज की कमी है, लोगों में सामंजस्य की क्षमता है, तो एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। ये सामंजस्य की क्षमता परिवार के अंदर है, परिवार के अंदर भी हम देख रहे हैं, समाज के अंदर भी देख रहे हैं और राष्ट्र के अंदर भी देख रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देख रहे हैं। ये सामंजस्य की स्थिति जो है तमाम जो है डायमेंशन पे हमें देखने को मिल रहा है। सामंजस्य की क्षमता का विकास हो, इस प्रकार का शिक्षा यदि हो तो हमारे शिक्षा का उद्देश्य की पूर्ति होगी, अन्यथा वो शिक्षा की उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी। अगला उन्होंने क्या दिक्कत हो गई नैतिक विकास पूरा लगा कर कौन इसी में बात करने लग रहा है, बात क्या करता है वो? नैतिक विकास और आध्यात्मिक विकास की इन्होंने बात की शिक्षा के उद्देश्य में। अगले कड़ी के रूप में इन्होंने नैतिक विकास और आध्यात्मिक विकास की बात, नैतिक विकास और आध्यात्मिक विकास की इन्होंने बात। आध्यात्मिक बोध भी होना चाहिए, मैं कौन हूं, किस लिए यहां पर आया हूं, मेरा कर्म क्या है, मेरी साधना किस प्रकार की होनी चाहिए, ये जो है उसके अंदर यह बात जागृत होना चाहिए शिक्षा के माध्यम से। उसे इलौकिक और परलौकिक होनी चाहिए। अगली उन्होंने अंतरराष्ट्रीयता की भावना की बात की, शिक्षा ऐसा हो जिसमें अंतरराष्ट्रीयता की भाव हो, अंतरराष्ट्रीयता की भावना का विकास हो। उन्होंने ऐसा नहीं बताया कि केवल मेरा कल्याण हो, बल्कि विश्व के कल्याण की अवधारणा, विश्व मानवता की अवधारणा की उन्होंने वकालत की। और उनका नारा था, उनका नारा था वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम की जो है नारा के साथ अपने विचार को प्रबुद्ध कर रहे थे कि विश्व को एक परिवार समझ करके इसे विकास करने की जरूरत है। इस तरह के जो है बच्चों के शिक्षा का उद्देश्य निर्धारित करना चाहिए और उसी के माध्यम से उसे शिक्षा देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि परीक्षा उत्तीर्ण करना, परीक्षा में पास होना, जो परीक्षा में आजकल प्रक्रियाएं हैं, परीक्षा में पास होना यह शिक्षा नहीं है, शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। परीक्षा में पास होना शिक्षा का उद्देश्य नहीं है, परीक्षा में पास होना शिक्षा का उद्देश्य नहीं है, बल्कि बेहतर मानव का निर्माण हो। क्या हो? बेहतर मानव का निर्माण, बेहतर मानव का निर्माण। शिक्षा में परीक्षा, शिक्षा का उद्देश्य जो है परीक्षा में पास करना नहीं होना चाहिए, बल्कि शिक्षा का उद्देश्य क्या होगा? बेहतर मानव का निर्माण करने की उन्होंने वकालत। अगला उद्देश्य उन्होंने बताया आत्म अनुशासन पर बल, जिसे हम लोग वैदिक काल से देखते चले आ रहे हैं। वैदिक कालीन हमारी शिक्षा व्यवस्था थी जिसमें आत्मानुशासन की बात सिखाई गई। आत्मानुशासन क्या है? यह स्वयं द्वारा अनुशासित रहने की जो है विधा है। हम अक्सर क्या करते हैं कि शिक्षक के डर से, माता पिता की डर की वजह से किसी कार्य को करते और नहीं करने की कोशिश करते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे ही उनका जो है नेतृत्व वहां से हटता है या जैसे ही शिक्षक क्लासरूम से बाहर जाते हैं, आपकी स्थिति पुनः वैसी ही हो जाती है जो नहीं होनी चाहिए। तो आपकी स्थिति जो है सदैव एक जैसी रहे, उस प्रकार का अनुशासन आपके जीवन में लाने की जरूरत है। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि शिक्षा का उद्देश्य इनके माध्यम से क्या था, शिक्षा के उद्देश्य की चर्चा हम लोगों ने किया। अगला बिंदु उन्होंने कहा कि शिक्षा के तीन केंद्र हैं। उन्होंने बताया कि शिक्षा के तीन केंद्र हैं। शिक्षा के कितने केंद्र हैं? तीन केंद्र हैं। शिक्षा के उन्होंने तीन केंद्रों की बात की, या उन्होंने कहा कि जीवन के ये तीन केंद्र हैं। किसके केंद्र हैं? जीवन के तीन केंद्र हैं। शिक्षा के तीन केंद्र या जीवन के तीन केंद्र के रूप में इन्होंने अवधारित किया। मानव पहला उन्होंने कहा कि इस केंद्र में कौन है, उन्होंने कहा मानव। दूसरा उन्होंने बताया समुदाय है,
और तीसरा उन्होंने बताया प्रकृति, तीसरा उन्होंने प्रकृति की चर्चा की। मानव के विषय में उन्होंने बताया कि मानव स्वयं दूसरे सभी से भिन्न और विलग है। मानव की क्या स्थिति है, वह भिन्न भी है, भिन्न और विलग होता है, एक दूसरे से भिन्नता होती है उसमें। हमने देखा कि मानव की स्थिति क्या होती है, हर एक मानव एक दूसरे से भिन्न प्रवृत्ति का होता है। समुदाय की क्या होती स्थिति है, कहता है कि इसमें सहयोग प्रदान करने की जरूरत होती है, इसमें सहयोग प्रदान करने की जरूरत है, यानी सहयोग का भाव इस समुदाय के माध्यम से होना चाहिए। ये जीवन के तीन केंद्र हैं, या और मानव के जीवन के केंद्र है, शिक्षा के तीन केंद्र या जीवन के तीन केंद्र। तो मानव क्या है, हम जानते हैं कि इस दुनिया में जितने भी मानव है सबकी प्रवृत्ति, सबकी प्रकृति सब अलग अलग है। और समुदाय, समुदाय की जरूरत क्या है, समुदाय किस लिए है, मानव दूसरे के साथ सहयोग में से रहता है, मानव दूसरे के साथ सहयोग से रहता है। मानव क्या करता है इसमें, दूसरे के साथ सहयोग से रहता है, सहयोग से रहता है। यदि एक मानव दूसरे मानव का सहयोग न करे तो सारी बातें बिगड़ जाएगी। इसलिए मानव भिन्न होते हुए भी समुदाय में एक दूसरे से सहयोग की बात करता है। और प्रकृति, प्रकृति कभी एक करती है, कभी अनेक करती है। प्रकृति में कभी समरूपता होती है, ठीक है, कभी दूसरों के साथ, मानव जो है स्वयं में रहता है, प्रकृति क्या होती है, कभी वो स्वयं में रहता है, कभी जो है दूसरों के साथ रहता है, कभी क्या करता है, स्वयं के साथ रहता है, यानी सेल्फ डेवलपमेंट की कंडीशन उसकी होती है, स्वयं में एकाकार होना, कभी वह दूसरे के साथ रहता है। अब यह कहता है कि रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं कि यह तीनों चीजें जो है, मानव के जो तीन केंद्र हैं या शिक्षा के जो तीन केंद्र हैं, यह तीनों का संबंध जो है कभी परिवर्तित भी होता है, कभी इसमें परिवर्तन भी होता है, कभी इसमें एकरूपता भी आती है। यानी ये लोग कभी समुदाय के साथ भी होते हैं और कभी समुदाय के साथ नहीं भी रहते हैं। प्रत्येक क्षण परिवर्तन रहने के बावजूद, इसमें परिवर्तन होने के बावजूद भी यह अस्थाई होता है, यह अस्थाई होता है। मानव भी होगा, समुदाय भी होगा और प्रकृति होगी, और ये तीनों का संबंध जब टूटता है, इस तीनों का संबंध क्या होगा, जब टूटेगा, तीनों के संबंध जब बिखरेगा, तो व्यक्ति और समाज के जीवन में विकृति आएगी। क्या आएगी, ये टूटेगा तो व्यक्ति और समाज दोनों में विकृति आएगी, दोनों में विकृति आएगी। इसलिए उन्होंने कहा कि इस तीनों में समन्वय बना के रखने की जरूरत है। आज मानव और प्रकृति के मध्य जो संबंध है, आज मानव और प्रकृति के बीच, आज जो है मानव और प्रकृति के बीच जो संबंध हो गया है, वह मानव और प्रकृति के बीच जो संबंध है वह कैसा हो गया है, शोषण और संघर्ष का हो गया है। कैसा हो गया है, शोषण और संघर्ष का हो गया है। आज जो है व्यक्ति क्या कर रहा है, एक दूसरे का शोषण कर रहा है, और क्या कर रहा है, ये मानव प्रकृति का भी शोषण कर रहा है, यह मानव क्या कर रहा है, आपस में संघर्ष भी कर रहा है। ऐसी स्थिति यदि बनेगी तो मानव जितना अधिक पाता है, हमेशा ये ध्यान रखनी चाहिए कि जितना अधिक मानव को मिलता है, जितना अधिक पाता है, उतना अधिक वह और चाहता है, और चाहत उसकी बढ़ती है, और चाहत उसकी क्या होती है, बढ़ती है, यानी वह और लालची होता है, वह लालची होता चला जाता है। और इस शिक्षा के तीनों केंद्रों में जो मैंने चर्चा किया, या जीवन के तीनों केंद्रों में सहयोग रहने पर, तीनों में सहयोग रहा तो समाज का कल्याण होता है, समाज और व्यक्ति का कल्याण होता है। आज आपने देखा कि मानव और प्रकृति के बीच शोषण और संघर्ष का परिणाम आज कोरोना जैसे महामारी से हम लोग जूझ रहे हैं। यदि मानव और प्रकृति में
शोषण और संघर्ष यदि नहीं होगा तो हमारा जीवन, हमारा समाज, हमारी व्यक्ति जाति की सब कुछ कल्याण में होगी और जीवन आगे बढ़ता हुआ चलेगा। हेलो क्या टाइम ओवर हो गया क्या? नहीं नहीं टाइम ओवर टाइम है ना अभी? हाँ अभी टाइम है पूरा। बोलिए सर। चलिए अब जो है शिक्षा का माध्यम क्या हो उसकी उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। उन्होंने कहा कि शिक्षा का माध्यम क्या हो भाई, शिक्षा का माध्यम पे हम लोग चर्चा करेंगे। शिक्षा का माध्यम क्या, शिक्षा का माध्यम क्या हो, उन्होंने शिक्षा के तीन माध्यमों की चर्चा की। शिक्षा के उन्होंने तीन माध्यम की चर्चा की। पहला उन्होंने कहा मातृभाषा, उन्होंने मातृभाषा की बात। दूसरा उन्होंने सृजन की बात। शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए, सृजन होना चाहिए। और तीसरा उन्होंने प्रकृति। शिक्षा का तीन माध्यम उन्होंने बताया कौन कौन, मातृभाषा, सृजन और प्रकृति। गुरुदेव शुरू से ही महसूस कर रहे थे, गुरुदेव शुरू से ही महसूस कर रहे थे कि अंग्रेजी भाषा के माध्यम से दी जाने वाली शिक्षा हमारी हमें गहरी खाई में ले जाएगी। अंग्रेजी के माध्यम से दी जाने वाली शिक्षा गहरी खाई में ले जाएगी, क्योंकि इसे आत्मबोध नहीं होगा, हम बातों को समझेंगे नहीं। और इससे क्या होगा, शिक्षित भारतीय, इसे शिक्षित भारतीय और जन सामान्य में, शिक्षित भारतीय और जन सामान्य के बीच एक खाई हो जाएगी। शिक्षित और जन सामान्य के बीच इस अंग्रेजी शिक्षा की वजह से एक खाई हो जाएगी। और अंग्रेजी की प्रयोग उन्होंने आलोचना की, इसीलिए उन्होंने क्या किया, अंग्रेजी का आलोचना किया। और उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई कि शिक्षाएं मातृभाषा मातृगुरु, शिक्षाएं मातृभाषा मातृभाषा मातृदुग्ध। उन्होंने मातृभाषा को माँ के दूध के समान जो है विभूषित किया कि हमारी मातृभाषा जो है वो माँ के दूध के समान है, यानी जितनी उसकी जरूरत जीवन में, बिना माँ के दूध के जीवन सफल नहीं हो सकता है, जीवन विकसित नहीं हो सकता है, है? जी इसलिए उन्होंने शिक्षा या मातृभाषा मातृदुग्धम की जो है अवधारणा से किया और कहा कि शिक्षा की मातृभाषा, शिक्षा जो हमारी होनी चाहिए वह मातृभाषा में होनी चाहिए। दूसरा उन्होंने सृजन की बात की, उन्होंने कहा कि रचनात्मक कार्य होने चाहिए, रचनात्मक कार्य की उन्होंने वकालत की। सृजनता कैसी आएगी, सृजनशीलता क्रिएटिविटी कैसे आएगी जीवन में, तो उन्होंने कहा इसके लिए रचनात्मक कार्य करना होगा। बच्चों को संगीत कला, चित्रकला, नृत्य, तमाम चीजों के माध्यम से उसे प्रशिक्षित करने की जरूरत है, जिससे उसमें सृजनशीलता है और उसके माध्यम वह बने हमारे शिक्षा का, शिक्षण का। तो उन्होंने उसकी बात की। तीसरा उन्होंने कहा कि प्रकृति हमारी जो है, प्रकृति के माध्यम जो है हमारे शिक्षा का माध्यम होना चाहिए, क्योंकि प्रकृति से हम क्या करते हैं, अनुभव प्राप्त करते हैं, प्रकृति से हम सीखते हैं। ठीक है, प्रकृति हमारी माता है, प्रकृति क्या है, हमारी माता, माता है। और उसमें समस्त जीव जो है, समस्त जीव है, इस दोनों के माध्यम से हमें जीवन में तमाम चीज सीखने को, किसी जीव किसी से जो है, कौन बात कर रहा है, श्रेष्ठ लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है। इसी से क्या होगा, जीवन के श्रेष्ठ लक्ष्य की प्राप्ति होती है। लेकिन दिक्कत क्या है, कोई दिक्कत हो रही है क्या ग्रुप में? लेकिन लोग क्या आज मान गए हैं कि प्रकृति जो है, लोगों के अंदर यह भाव आ गया है कि प्रकृति हमारे अंदर है, हम प्रकृति के स्वामी हैं। क्या स्थिति हो गई है, लोग समझने लगे हैं कि हम प्रकृति के स्वामी हो गए। आज लोगों के मन में यह भाव है कि हम क्या है, प्रकृति के स्वामी मानता है, वह प्रकृति का स्वामी मानता है। और उस स्वामी मानने की वजह से वो क्या करता है, प्रकृति का शोषण करता है। प्रकृति का जब स्वामी मानता है अपने को, तो वह प्रकृति करता है, शोषण करता है और व्यक्ति और समाज दोनों के लिए विनाश का
कारण बनता है और इसी के कारण यह व्यक्ति और समाज दोनों के विनाश का यह कारण बनता है, दोनों के विनाश का कारण बनता है। आज यह विनाश आपके सामने दिख रहा है, आज विनाश जो है हम लोगों के सामने दिख रहा है। आज लग रहा है कि यदि प्रकृति की रक्षा की गई होती तो यह दशा देखने को नहीं मिलती, नहीं। आज लॉकडाउन में आप बार बार समाचार पत्रों में देख रहे हैं कि नदियों के जल निर्मल हो गए, वातावरण जो है शुद्ध हो गया, आज जो है सांस लेने में परेशानी नहीं हो रही है। दिल्ली जैसे शहर में लोगों को सांस लेने में दिक्कत थी, लेकिन आज वहां पे प्रदूषण की जो स्थिति थी वो ग्राफ है काफी नीचे चला गया है। तो आज हम प्रकृति के साथ है, इसका शोषण नहीं करते हैं, तो कहते हैं प्रकृति से प्रेम होना और प्रकृति के प्रति दायित्वता, प्रकृति से प्रेम भी होना चाहिए और दयालुता भी होनी चाहिए, हमारा जीवन आनंदमय हो जाए। यदि इस तरह की स्थिति बनेगी तो हमारा जीवन कैसा होगा, आनंदमय हो जाएगा। अब हम लोग जो है सर आपका म्यूट हो गया। हेलो हेलो, हाँ बोलिए सर, बोलिए सर, आवाज आ रही है? जी सर आ रही है, आ रही है ना। अब हम लोग शिक्षण विधि की बात करेंगे, किसकी शिक्षण विधि की। अच्छा उन्होंने एक चीज और आपको बताया कि उन्होंने शिक्षा का जो माध्यम बताया, उन्होंने शिक्षा का जो माध्यम बताया, शिक्षा का जो माध्यम आ रहा है। हेलो आवाज आ रही है, थोड़ा सा नेटवर्क आपका प्रॉब्लम होगा, इधर उधर हो जाइए। शिक्षा का जो माध्यम है उन्होंने पहला क्या बताया था, मातृभाषा। उन्होंने कहा यह शिक्षा का माध्यम है, क्या है यह शिक्षा का माध्यम है। दूसरा उन्होंने सृजन की बात की, इन्होंने शिक्षा का श्रेष्ठ माध्यम है, शिक्षा का उन्होंने कहा श्रेष्ठ माध्यम, शिक्षा का श्रेष्ठ माध्यम बताया। और प्रकृति की बात बताई उन्होंने, तीसरा यह शिक्षा का प्रभावशाली माध्यम है, क्या है, इन्होंने शिक्षा के प्रभावशाली माध्यम के रूप में इसे भी घोषित किया। शिक्षण विधियां, अब हम लोग शिक्षण विधि पे चर्चा करेंगे कि इन्होंने शिक्षण विधि के लिए क्या बताया। वैसे स्पष्ट रूप से उस प्रकार की चीज जो है उन्होंने नहीं की, इन्होंने सबसे महत्वपूर्ण माना क्रिया विधि, क्या बताया क्रिया विधि, क्रिया विधि। हम किसी कार्य को करके यदि सीखते हैं तो वह ज्यादा प्रभावशाली होगा, यदि करते नहीं है और कब सीखने की कोशिश करते हैं तो पुस्तकीय हो जाएगा। इसलिए हम क्रिया के माध्यम से करके, डूइंग बाय लर्निंग की प्रक्रिया की इन्होंने वकालत की। दूसरा इन्होंने प्रयोग विधि को बताया, दूसरा क्या इन्होंने बताया, प्रयोग विधि बताया, दूसरा इन्होंने क्या बताया, प्रयोग विधि। और इसके लिए उन्होंने कहा तीन पद है, प्रथम पद, द्वितीय पद और तृतीय पद, तीन पदों की इन्होंने चर्चा की, एक में तीन पद की बात। पहला इन्होंने कहा शिक्षक द्वारा प्रदर्शन, हाँ हेलो, हाँ कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए बोलिए जल्दी बोलिए, कौन बोल रहा है सर? क्रिया विधि और प्रयोग विधि में अंतर क्या हुआ? अभी बता रहे, प्रयोग विधि अभी खत्म नहीं की है, एक्सपेरिमेंट होता है उसमें करके सीखना होता है, ठीक है पहले पूरी चीज को सुन लीजिए, अभी प्रयोग विधि चल रहा है। प्रथम पद क्या था, शिक्षक द्वारा प्रदर्शन, क्या था प्रथम पद, क्या है कि शिक्षक इसका प्रदर्शन करे, शिक्षक इसे कर करके दिखाए, ठीक है। और दूसरा क्या होगा, छात्रों द्वारा उसका अनुसरण, और तीसरा छात्रों द्वारा अभ्यास, छात्रों द्वारा अभ्यास। उन्होंने बताया कि प्रयोग विधि जो है, जो एक्सपेरिमेंटल है, वह तीन चरणों में होना चाहिए, तीन स्टेप में होना चाहिए। पहले शिक्षक उसे प्रदर्शन करके दिखाएं या कैसे होगा, छात्र उसका अनुसरण करें,
और अनुसरण करने के बाद जब तक वो अभ्यास नहीं करेंगे तब तक क्रिया पूर्ण नहीं होगी, नहीं होगी। तो उन्होंने इसीलिए इस चीज की चर्चा की, लागिया की क्रिया विधि और प्रयोग विधि क्या है। ठीक है, हमें जीवन में बहुत सी ऐसी चीजें होती है कि जब तक हम उसे करते नहीं है तब तक जानते नहीं है। हमें जरूरी नहीं कि हर चीज का हम एक्सपेरिमेंट भी करेंगे, क्रिया विधि में अनुभव द्वारा भी क्या तमाम चीजें प्राप्त हो जाती है, और यह करने के बाद अनुभव होता है, वहां तत्कालिक होता है या तत्कालिक नहीं होता। तो दोनों में जो है भिन्नता भी, और दोनों को समरूप रूप से समेत रूप से एक साथ समझने की कोशिश करेंगे। तो तीसरी बात उन्होंने बताया भ्रमण विधि, टाइम बताइएगा क्योंकि यह खत्म करना है आज। तीसरा उन्होंने बताया, तीसरा उन्होंने भ्रमण विधि बताया, क्या बताया कितना है, दो मिनट है। यस सर, उन्होंने भ्रमण विधि बताया। भ्रमण विधि को आप लोगों ने बहुत वो किया होगा, समझा होगा, स्वाध्याय विधि। उन्होंने कहा स्वाध्याय विधि का भी प्रयोग होना चाहिए, उसके माध्यम से शिक्षा करनी चाहिए। विश्लेषण एनालिसिस की भी बात उन्होंने की, विश्लेषण भी करने की जो है होनी चाहिए। इस प्रकार इन्होंने तमाम तरह के विधियों की वकालत किया, किस प्रकार की विधियां होनी चाहिए। पाठ्यक्रम की चर्चा, अब समय कम है चुकी, पाठ्यक्रम की चर्चा, पाठ्यक्रम की चर्चा इन्होंने किया। पाठ्यक्रम की चर्चा इन्होंने किया, पाठ्यक्रम पे वैसे तो इन्होंने बहुत विशेष फोकस नहीं किया था, उसके लिए स्पष्ट कुछ नहीं था, लेकिन जो है इन्होंने उसमें बताया था कि इतिहास की पढ़ाई होनी चाहिए, भूगोल की पढ़ाई होनी चाहिए, कला की पढ़ाई होनी चाहिए, संगीत की पढ़ाई होनी चाहिए, नृत्य की पढ़ाई होनी चाहिए, सारी चीजें उसमें शामिल करना चाहिए। यानी जीवन के जितने भी पक्ष हैं, जीवन के जितने भी पक्ष हैं सभी को इन्होंने शामिल करने की वकालत की। उन्होंने बताया कि शिक्षा पुस्तक केंद्रित बनाने की जरूरत नहीं है, शिक्षा नहीं होनी चाहिए, कैसा पुस्तक केंद्रित नहीं हो, उन्होंने उसका विरोध किया। अनुभव केंद्रित हो, कैसा हो, अनुभव केंद्रित हो, शिक्षा पुस्तक केंद्रित न हो बल्कि अनुभव केंद्रित हो। ठीक है, इसने इसीलिए कहा क्रिया प्रधान हो, क्रियात्मकता की बात की कि शिक्षा हमारी क्रिया प्रधान है। उन्होंने कहा छोटे बालकों पर पुस्तकों का बोझ नहीं होना।